हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जितने मेरे फ्रेंड चैनल को न्यू देख रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों, आपका रिजल्ट आ जाने के बाद आपके राउंड सेकंड, आपका मोपअप राउंड, आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इन सभी के बारे में आपको बताऊँगा। और उससे पहले आपको दोस्तों एक कट ऑफ के बारे में भी, आपकी राउंड फर्स्ट के बारे में हल्का सा जान लेते हैं, फिर चलते हैं राउंड सेकेंड और आपके मोपअप राउंड पर और फिर आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड पर। अब दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या उनका सॉल्यूशन होगा, तो वो आपको बता दिया जाए कि दोस्तों, स्टे वैकेंसी राउंड में आपको, अगर आप बॉर्डर लाइन पर आपके मार्क्स हैं और आपके रैंक अच्छा खासा है, तो आपके 90% श्योरिटी है कि आपको वहाँ पर अपना जो सीट है MBBS की, वो ईजिली आपको स्टे वैकेंसी राउंड में मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अब जैसा कि मैं बात कर पा रहा हूँ राउंड फर्स्ट कट ऑफ की, तो जनरल की जो कट ऑफ रही है वो आपको पता है 19,396 के आसपास, OBC की 20,000 के आसपास, AWS की 21,000 के आसपास। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो आप कि अगर राउंड सेकंड होगा तो जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी। यहाँ से 1,000-2,000 रैंक जो होगा वो वेरी करेगा या कैसे करेगा, तो आप अपने हिसाब से भी इसका क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। लेकिन आपके लिए दूसरी जो होगी राउंड सेकंड में कट ऑफ रहने के क्या चांसेस होंगे, मोपअप राउंड में कम से कम इतना मार्क्स कौन सा होगा जो आपको एडमिशन दिला सकता है, और स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस होंगे जो आपके फिजिकली जो स्टे काउंसिल राउंड है वो करवा सकते हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों आपको बताया जाएगा बखूबी, बिल्कुल इत्मीनान से। और साथ में जो कट ऑफ है आपको बता दी गई है राउंड फर्स्ट की, और उसके बाद राउंड सेकंड, मोपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड के जैसे जैसे होते रहेंगे आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। अब दोस्तों, जो स्टूडेंट न्यू है चैनल पर, वो टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF प्रॉपर तरीके से मिल सके। और राउंड सेकंड में चॉइस फिलिंग करने से पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से कॉलेज, जो आपके रेंज में कॉलेज हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि हम चॉइस फिलिंग में ऐसे फिल कर देते हैं कि ऊट पटांग तरीके से, तो हमारा जो है नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अटेंटिव रहिए, अपने आसपास की जो वेबसाइट वगैरह है, कॉलेज वगैरह है, वो खुद से देखा कीजिए, कोई और नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।